ग्वालियर शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जयंती मनाई गई। नाथूराम की 114वीं जयंती पर हिंदू महासभा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोडसे की आरती उतारकर पुष्पांजलि दी गई। हिंदू महासभा ने ग्वालियर के दौलतगंज स्थित अपने दफ्तर में नाथूराम गोडसे की जयंती का कार्यक्रम रखा। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष लोकेश शर्मा की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा ने सरकार से गोडसे की मूर्ति लगाने तक की मांग कर दी। कार्यक्रम में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प महासभा के लोगों ने लिया। हिंदू महासभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को उचित ठहराया। कार्यक्रम में धर्म के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया गया। हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी की जयंती है, जो हिंदू महासभा कार्यालय में मनाई गई, माल्यार्पण करके और आरती करके और अखंड भारत का संकल्प लेकर के, नहीं क्या हिंदू राष्ट्र बना करके अखंड भारत किया जाए, जो नाथूराम गोडसे जी का एक सपना था। नाथूराम गोडसे जी ने धर्म के आधार पर जो देश विभाजन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था, उसका प्रतिकार लेने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या की गई थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।